सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत कर दी। 6 अक्तूबर नूं हमास दे अतवादियों वालों इजराइल ते कीते गए हमले तो बाद दुनिया भर च रहण वाले यहूदी मुसीबत च ने। कनेडा समेत कई देशों यहूदियों ते हमलों दी खबरां आईयां ने। कनेडा दे मॉन्ट्रियल विच दो यहूदी स्कूलों नूं दाए रात गोलीबारी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने दोवें थावां ते पहुंच करके जांच शुरू की। स्कूल खाली सन, किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं सी। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं। पाकिस्तान सरकार ने गुजरात के वख-वख इलाकों के 80 मछेरियां नूं जेल चो रिहा कर दिता, जिस तों बाद गुजरात सरकार की टीम उन्हां नूं लैण पंजाब पहुंची है। कराची की जेल के एक सीनियर अधिकारी दसन मुताबिक भारतीय मछेरियां नूं अलामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन राही भारी सुरक्षा विचकार रिहा किया गया ते अज लाहौर पहुंच जाणगे, जिथे उन्हां नूं वाघा सरहद के भारतीय अधिकारियों के हवाले किया जाए। सूबे भर में डेंगू ने अपने पैर पसारे हुए हैं, जिसनों लैके सेहत विभाग चौकस दिखाई दे रहे। इसे गंभीरता लेंदे सूबे के सेहत विभाग ने आशा वर्कर से हर जिले के सेहत विभाग को शहर में फॉगिंग कराने के हुक्म जारी किए हैं। सेहत विभाग वालों डोर टू डोर टैमीफॉर्म दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा है। इस विभाग का कहना है कि दवाई डेंगू के लार्वे को खत्म करती है। विभाग वालों आशा वर्कर की मीटिंग बुला के उन्होंने डोर टू डोर जाके बुखार से पीड़ित मरीजों की जानकारी इकट्ठी करने के हुक्म भी दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के प्रधान मल्लिका अर्जुन खड़गे से निशाना विनद्या कहा कि अपने रिमोट कल्चर कारण कांग्रेस हुण खड़गे नूं रिमोट नाल चला रही है। जदों रिमोट चलता है तो खड़गे सनातन नूं गालां कढ़दे ने, ते जिवें ही रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है तो सनातन नूं याद करन लग पैंदे ने। उन्हां कहा कि 2014 तो पहला प्रधानमंत्री नूं कोई काम नहीं करना पैंदा सी। कांग्रेस विच सब कुछ रिमोट नाल चलदा सी ते पार्टी दी रिमोट दी आदत नहीं जा रही। पंजाब सरकार वालों बुलाए गए विधानसभा सैशन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों गैर कानूनी दसन से सदन च बिलों को मंजूरी न देने दे, सुप्रीम कोर्ट च दायर पटीशन से सुनवाई है। हालांकि राज्यपाल अपने स्टैंड तो यू टर्न लै चुके हैं, पर बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बीती सुनवाई च राज्यपाल नूं फटकार लाई थी। पंजाब सरकार ने पटीशन च मांग की थी कि विधानसभा च पास बिलों को मंजूरी देने लिए सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल नूं निर्देश देवे। सरकार ने यह भी कहा कि इस तरह की संविधानिक रुकावट नाल प्रशासन का कामकाज ठप हो गया। वक्फवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने विश्व भर के सिख भाईचारे को भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का बाइकाट करन अते एयर इंडिया अमेरिकन एयरलाइंस से ब्रिटिश एयरवेज से सफर करन दा सदा दिता। वक्फवादी समूह ने 19 नवंबर तो एयर इंडिया टू मेड इन इंडिया कारोबारों के बाइकाट का सदा दिता। वर्णन योग है कि विदेशों से ज्यादातर कारोबार भारतीय सिख भाईचारे की मालकी च ने ते बाइकाट का उन्होंने सीधा असर होगा। इस सदे 19 नवंबर में दल खालसा के सुप्रीमो गजेंद्र सिंह के जन्मदिन नाल भी जोड़ के वेख्या जा रहा है। बठिंडा जिले के पिंड कोठा गुरु च एक व्यक्ति राइफल लैके कांग्रेसी आगू के घर की छत चढ़ गया। इस तो बाद उसने हर आन जाने वाले व्यक्ति ने अपना निशाना बनाना शुरू किया। सूत्रों मुताबिक जानकारी मिली है कि दोषी ने अज तक 4 लोगों को गोली मारी, जिन्हों से 2 की मौत हो गई, 3 जख्मी हाल च हस्पताल दाखिल है। इतों तक कि इन्होंने 4 गोली मारन तो बाद मुलजम ने खुद को भी गोली मार के अपनी जीवन लीला समाप्त कर। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने करतारपुर लांघे के मुद्दे से पाकिस्तान नाल टैरिफ का मुद्दा बार बार चुकया, पर कोई अपडेट नहीं मिला। विदेश मंत्रालय के बुलारे निंदम बागजी ने कहा कि भारत ने करतारपुर लांघे तक पहुंच लिए पाकिस्तान द्वारा लगाई गई 20 अमरीकी डॉलर की फीस से वार बार चिंता जाहिर की है, पर पाकिस्तान तो कोई जवाब नहीं मिले। निंदम बागजी ने कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे को बहुत महत्व देती है, इस मुद्दे को उठाती रही। राजस्थान के बाड़मेर जिले च अंतरराष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सरहद से तैनात बीएसएफ के जवान वालों खुदकुशी करन दा मामला सामने आया। 24 साल मृतक सैनिक मनोज कुमार दक्षिणी त्रिपुरा का रहने वाला सी। 5 साल पहला ही सीमा सुरक्षा बल च भर्ती होया सी। घटना की सूचना मिलने बीएसएफ के पुलिस उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे ने। लाश को जिला हस्पताल के मुर्दा घर रखवाया गया। खुदकुशी के कारणों का अजे तक पता नहीं लग सकया। पुलिस अनुसार यह जवान पिछले 2 साल तो बाड़मेर में काम कर रहा। पुलिस ने लुधियाना रेलवे स्टेशन तो अगवा किए गए 3 महीनों के बच्चे को करीब 19 घंटे बरामद कर लिया। पुलिस ने दोषी पति पत्नी भी गिरफ्तार किया। मुलजमान ने बीते दिन रात लुधियाना रेलवे स्टेशन से सुते पे पति पत्नी तो बच्चा चोरी कर लिया। दोषी के अपने भी 2 बच्चे ने, इस इलावा लगातार बयान बदल रहे। पुलिस इन्होंने रिमांड से लैके होर पूछगिछ करेगी। दूजे पास पीड़ित परिवार अपने बच्चे के वापस मिलने से काफी खुश है, पुलिस का धन्यवाद कर रहा है। उन्होंने दस कि उन्होंने पहला बच्चा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून च एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना वापरी। इतने पुलिस हेडक्वार्टर नेड़े एक ज्वेलरी शोरूम च 20 करोड़ रुपए के गहने लुट ले गए हैं। गाहक बन के शोरूम च पहुंचे अपराधियों ने दिन दिहाड़े बंदूक की नोक से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मुताबिक यह घटना राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलरी स्टोर च वापरी है। लुटेरिया ने बंदूक की नोक से शोरूम के कर्मचारियों को बंदी बनाया, उन्होंने कुटमार की, सारे गहने अपने बैग च रखने लिया। फरार होने से पहले उन्होंने गाहकों के कर्मचारियों के हाथ बन्ने से सारे स्टोर की रसोई में बंद कर दिया।
गोरखपुर कुशीनगर हाईवे ते जगदीशपुर कोल बस विच तेज रफ्तार ट्रक ने पिछे तो टक्कर मारी। हादसे च 6 यात्रियों की मौके ते मौत हो गई, जदों कि 27 जख्मी ने। जख्मी जिला हस्पताल के मेडिकल कॉलेज च भर्ती करवाया गया ते कुछ की हालत बहुत गंभीर है। हादसे की सूचना एसपी सिटी सने होर अधिकारी मौके ते पहुंच गए ने। अधिकारियों ने सदर हस्पताल ते मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों भी अलर्ट किया, जिसके बाद डॉक्टर भी पहुंच गए ने ते मृतकों की पछाण की जा रही। यूपी के हरदोई पिंड में मिशन शक्ति के सवाल उठने शुरू हो गए, जिससे एक लड़की नाल कुटमार का वीडियो वायरल होया। वीडियो में कुछ दबंग किस्म के लोग एक नौजवान लड़की की बुरी तरह कुटमार कर रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि इन दबंगों से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इतने थाने में शिकायत देने के बाद मामला तो दर्ज हो गया, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला लुनार थाना खेत्र का दसया जा रहा है। देश के वख-वख सूबों में मौसम का मिजाज बदल गया। कई सूबों में पै रहे मीह ने ठंड बढ़ा दी, हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज बदल के रख दिया, जिस नाल तापमान में गिरावट हुई। आज भी सूबे भर में कुछ हिस्सों में हल्के बदल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की तो मध्यम मीह होने की संभावना प्रगटाई जा रही है। मीह नाल तापमान च 2 से 4 डिग्री सैल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिस नाल रात के समय ठंड बढ़ेगी। बीते दिन भी सूबे के ज्यादातर हिस्सों सवेरे धूप निकली, दोपहर बाद हल्के बदल बने। धनतेरस से दिवाली का त्यौहार आ गया थे, इसको लेकर देश भर में उत्साह है। बाजारों में खरीदारी लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस दरमियान जेकर तुहानू इन्हीं दिनी बैंक नाल जुड़िया कोई काम है तो खबर तुहाडे लिए, कल तो लगातार 6 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी कि ब्रांचों में बैंकिंग नाल जुड़िया कामकाज नहीं हो सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने की शुरुआत में अपनी वैबसाइट से बैंकिंग हॉलीडे लिस्ट जारी करती है, जो वख-वख सूबों में होने वाले त्यौहारों पर निर्भर होती है। 3 नवंबर 2023 की हॉलीडे लिस्ट से नजर मारो तो 10 नवंबर तो 15 नवंबर तक बैंकों में छुट्टी ऐलानी गई है। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में इतना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।